कानपुर देहात में मामूली विवाद, दबंगों ने युवक को मारी गोली। यह योगी का नया उत्तर प्रदेश। प्रदेश में एक तरफ जहां बदमाश और दबंगों को यूपी पुलिस प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर रही है, उनका एनकाउंटर कर उनको जेल भेज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के कानपुर देहात में दबंगों के हौसले यूपी पुलिस से भारी दिख रहे हैं, जहां मामूली से बात पर बदांगों ने युवक के गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। मामला कानपुर देहात के डेरापुर का है, जहां बताया जा रहा है बीती रात कृष्णा ढाबे पर चार लोग नशे की हालत में पहुंचे थे, तभी चार लोगों में बुबा मिश्रा और आलोक तिवारी से आपस में मामूली कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी के चलते बुबा मिश्रा ने आलोक तिवारी को गोली मार दी और मौके से सभी लोग फरार हो गए। घायल आलोक तिवारी को स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर आलोक तिवारी को कानपुर के हेलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुट गई। एडिशनल एसपी अनूप कुमार ने बताया कि कृष्णा ढाबे पर इन लोगों की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते बुबा मिश्रा ने अवैध असलहे से जो कि बुबा मिश्रा के पास था उससे आलोक तिवारी को गोली मार दी। मामले की क्या नाम है आपका? कमलेश तिवारी। आज तिवारी जी बताए क्या हादसा हुआ आपके साथ? हम जो है ट्यूबवेल पड़े थे तो इसका फोन लड़कवा का पहुंचे जो उसके साथ थे, उनका कि तुम बबुआ मिश्रा ने गोली मार दी है। ये बबुआ मिश्रा कौन है? राकेश मिश्रा। बबुआ मिश्रा मवई के हैं, मवई के रहने वाले, मौके पर हुए थे। तो बस कृष्णा ढाबा की बात है। अच्छा, क्या वजह रही इनकी गोली मारने की? कोई पुरानी रंजिश को लेकर के कुछ नहीं? कुछ नहीं, पुरानी रंजिश। ये घटना थाना डेरापुर क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा ढाबा की, कृष्णा ढाबा NH2 परिसर है। कल रात्रि को 9 बजे के करीब चार व्यक्ति शराब पी करके वहाँ खाना खाने के लिए पहुंचे। इसमें बबुआ मिश्रा जो बवई मुक्ता के निवासी है और आलोक तिवारी पास के ही गाँव के, इनमें लेकर आपसी वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ। इसी पर बबुआ मिश्रा जो थे इन्होंने अपने पास के पास अवैध हथियार इन्होंने अचानक फायर कर दिया, जिससे आलोक तिवारी के जो है पेट में गोली लगी है। उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और वहां से उनको हेलेट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। इस घटना का संज्ञान स्थानीय पुलिस ने ले लिया गया। जो जिम्मेवार अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।